हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक के मेरे वीडियोस जो हैं देखे हैं तो आप सब ये तो जान गए होंगे कि वीकली एक्सपीरियंसेस जो हैं हमारे हर बार जो है 4500 को नॉर्मली जो है क्रॉस कर ही जाएंगे, और ये चारों बॉक्सेस जो हमें दिखाई देते हैं ये चारों बॉक्सेस ओपन होंगे हर फैमिली के जो भी मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, है ना। उसके लिए मैंने दो ट्रिक्स आपको बताई थी। एक ट्रिक जो ट्रिकी वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वो वाला टास्क यूज़ करके आप जो है आपका वीकली एक्सपीरियंस नहीं, डे का एक्सपीरियंस जो है आप 2000-3000 नॉर्मली कर सकते हैं। और दूसरा, साथ में यदि आप ये क्रेजी मॉन्स्टर सीरीज देख रहे हैं और इसको आप कर रहे हैं तो आपका वीकली एक्सपीरियंस जो है वो हो एटलीस्ट जो है 30000-40000 तक भी जा सकता है। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं अभी आप फॉलो करें। और उसके लिए मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉक्सेस हैं और इसमें जो हमको मिलते हैं, जैसे मैं आपको ओपन करके बता रही हूँ, ये देखिए फैमिली कॉइंस मिल रहे हैं, और चूंकि ये आईडी कैप्टन है तो कैप्टन को जो है एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो ये हुआ, और को कैप्टन को भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये फैमिली कॉइन्स हमको मिल रहे हैं, है ना। तो ये जो फैमिली कॉइन्स हमको मिल रहे हैं ये कहाँ यूज़ में आते हैं, तो वही चीज़ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो फैमिली कॉइन्स हैं हमको क्रेजी मॉन्स्टर में किस किस तरीके से जो है काम आते हैं और किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं सही डायरेक्शन में। तो आइए बढ़ते हैं आगे और मैं आपको सबसे पहला यूज़ बताती हूँ फैमिली कॉइन का। तो सबसे पहली चीज़ तो जो मैंने कल पिछले वीडियोस में आपको बताया था सेंट क्लॉक के बारे में, तो पहली चीज़ तो वही है जहाँ फैमिली कॉइन्स हमको यूज़ हो रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपके फैमिली कॉइन्स को सही डायरेक्शन में यूज़ करने का, है ना। और जैसे जिस तरीके से मैंने आपको उस वीडियो में समझाया है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यदि आपने नहीं देखा है, तो आप हमारे क्रेजी मॉन्स्टर के जितने भी सीरीज़ वीडियोज़ हैं ज़रूर देखिए। आपको क्रेजी मॉन्स्टर जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल की, उसमें वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं स्टार मेकर टिप्स एंड ट्रिक्स क्रेजी मॉन्स्टर सीरीज, तो आपको हमारे ही वीडियो देखने को मिलेंगे। आप चैनल पर जाकर सारे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हैं। तो ये जो क्लॉक के बारे में मैंने बताया था, तो ये सेंट क्लॉक जो है सिल्वर और गोल्ड जो है वो भी आप जो है फैमिली कॉइन से परचेस करते हैं। अब आती है दूसरी बात जो चीज़ मैं आपको स्पेशली बताना चाहूँगी, तो वो ये कि जब हम हमारी आईडीज जो है, यदि 4 आवर्स जो हमारी सेंट क्लॉक चल रही है और हम आईडी जब एंटर करते हैं और ये 4 आवर्स का जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका होता है, आप देख रहे हैं जैसा कि, तो ये कंप्लीट होने पर हम जो है हमारे ईएक्सपी जो है कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ क्लेम नाउ से। बट अब इसमें ये चीज़ आप देख रहे होंगे खास कि आप देख रहे हैं नीचे मल्टीप्लाई रिवॉर्ड्स आ रहा है ना। तो ये मल्टीप्लाई रिवॉर्ड्स का मतलब क्या है, उसमें ये है कि आपके ईएक्सपी जो है जितने भी हैं अभी जो आप क्लेम करने वाले हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो डबल हो जाएं तो आप ये मल्टीप्लाई रिवॉर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ कि आपको 12 जो है फैमिली कॉइन्स लग रहे हैं, तो आप यदि फैमिली कॉइन्स 12 यूज़ करेंगे तो आप जो है मल्टीप्लाई रिवॉर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको करके बताती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है अभी 3696 है, और यदि मल्टीप्लाई रिवॉर्ड्स होंगे तो उसका जस्ट डबल हो जाएगा 7392। तो इसके लिए हमको यहाँ क्लिक करना है और ये 12 कॉइन्स चले गए, और आप देख रहे हैं कि 7392 जो है एक्सपीरियंस हमको मिल गया है। तो आप ये समझ गए होंगे कि हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, ये ज़रूरी चीज़ है कि अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये करके दिखाने के लिए आपको करके दिखाया है, अदरवाइज़ जो है कभी भी जब आप छोटे लेवल पर हैं और आपके कम एक्सपीरियंस जो हैं आपके सेंट क्लॉक में कलेक्ट हो रहे हैं, तब इसको मल्टीप्लाई करके फैमिली कॉइन्स वेस्ट करना जो है बेकार है। आपको ये तब करना है जब आप थोड़े बड़े लेवल तक आ जाएं और आपका जो एक्सपीरियंस का जो कलेक्शन हो 4 आवर्स का, या आप जो दूसरे सेंट क्लॉक यूज करते हैं और उसमें आपका जब एक्सपीरियंस का कलेक्शन बहुत ज्यादा हो, तब आप इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो 12 कॉइन्स में ही होगा, और आपको इससे कम से कम जो है ट्रिपल होगा या 4 टाइम्स जो है इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो मेरी ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऐसा करने जा रहे हो तो वो तभी कीजिएगा जब आपका लेवल काफ़ी हाई हो। और दूसरा, यदि आपने सेंट क्लॉक यूज़ करा हो, चाहे वो गोल्ड वाला हो या सिल्वर वाला हो, जिसमें 12 आवर्स का आपका जो है कलेक्शन होगा और वो कलेक्शन बड़ा होगा, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो उसका डबल होगा और आपको कम से कम 4 टाइम्स का फायदा होगा। तो
तो अब तीसरा इसका यूज़ हम क्वेस्ट में चलते हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेस्ट होते हैं तो ये जो क्वेस्ट हैं इसमें भी हम जो है इसको परचेस कर सकते हैं। ये जो क्वेस्ट मैप है वो जो है आपको फैमिली कॉइन से जो है आप परचेस कर सकते हैं। जब आपके पास क्वेस्ट नहीं बचेंगे, क्वेस्ट मैप नहीं बचेंगे, तो जो है आपको बाय का ऑप्शन मिलेगा फैमिली कॉइन से और आप इनको जो है परचेस भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि आपको बता दूँ ये सुपर क्वेस्ट में चलते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको ये आ रहा है अभी ये क्वेस्ट मैप मेरे पास यहाँ 5 है और आप देख रहे हैं कि 10 क्वेस्ट जो है आप देख रहे हैं कि ये जो 5 मैप्स लगेंगे और उसके साथ में क्या होगा 250 जो है आपको फैमिली कॉइन्स लगेंगे, तब जो है आप ये सुपर क्वेस्ट ओपन कर सकते हैं 10 टाइम्स। तो ये जो फैमिली कॉइन्स का थर्ड यूज़ ये है। और अब फोर्थ वन के बारे में बात करते हैं, तो फोर्थ वन के बारे में बात करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ शॉप में चल के। तो हम शॉप में चलते हैं और वहाँ देखते हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए सुपर रिबेट कार्ड जो कार्ड आपको दिख रहा है ये आप देख रहे हैं वीकली एक्सेलरेशन कार्ड, वीकली क्वेस्ट कार्ड है ना। तो मैं यदि इसमें बहुत अच्छा यदि किसी चीज़ को मानती हूँ और उसका कारण क्या है वो मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताने वाली हूँ, तो वो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। क्योंकि इस कार्ड का यूज़ भले ही आपको पता हो आप करते हो, बट उसका सही यूज़ और सही टाइमिंग क्या है और उस तरीके से सोच कर यदि आप करेंगे तो आपको डबल से ट्रिपल फ़ायदा होगा। उतने ही काम में उतने ही फैमिली कॉइन्स यूज़ करके जो है आप उसमें जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं यदि आपको इसमें बताऊं कि यदि कोई कार्ड जो मुझे इसमें पसंद है, क्योंकि आगे आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा फैमिली कॉइन्स हैं, तो इतने ज़्यादा फैमिली कॉइन्स तो आई थॉट सो तब हो पाएंगे जब हम गोल्ड कॉइन्स जो है यूज़ करें, है ना। बाकी ये 560 फैमिली कॉइन्स जो हैं ये ज़रूर हमारी लिमिट में है, क्योंकि यदि हम रेगुलरली जो है ये करते जाएँ और हमारे जो वीकली बॉक्सेज जो हैं वो हर बार ओपन होने ही हैं मेरी तरीके से, यदि आप काम करेंगे तो हर बार जो है वीकली बॉक्सेज जो हैं आपके ओपन होंगे ही और उसमें भी आपको फैमिली कॉइन्स का कलेक्शन मिलेगा। बाकी आपको फैमिली कॉइंस जो हैं हम जितने एडवेंचर राउंड क्लियर करते हैं तो उसमें हर 5 राउंड के बाद जो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसमें भी फैमिली कॉइंस रहते हैं। बाकी ये जो आप मिशन के टास्क कंप्लीट करते हैं उसमें भी आपको फैमिली कॉइंस देखने को मिलते हैं और हम जो फैमिली बॉस वाला जो करते हैं उसमें जो टास्क होते हैं उसमें भी फैमिली कॉइंस देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको कई जगह से जो है फैमिली कॉइंस मिलते हैं और आप इससे अच्छे खासे फैमिली कॉइंस का कलेक्शन कर सकते हैं। तो यदि आप 560 फैमिली कॉइंस कलेक्ट कर लेते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आपको जो है ये वाला जो हमारा कार्ड है वीकली एक्सेलरेशन कार्ड ये लेना चाहिए। और फिर इसका फ़ायदा कैसे होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी और उस वीडियो को आप भूल से भी मिस मत कीजिएगा और हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखिएगा ताकि जो है आप उसका फ़ायदा सही तरीके से उठा पाएँ। जल्दबाजी में कोई भी चीज़ नहीं करिएगा, नहीं तो यूँ ही आपके फैमिली कॉइन्स जो हैं वेस्ट होंगे, आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। ओके, अब जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि शॉप से हम वो वीकली एक्सेलरेशन कार्ड ले सकते हैं, अब मान लीजिए उतने हमारे पास नहीं हैं, कम ही हैं, तो भी हम जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ईएक्सपी जो हमारे कार्ड होते हैं इसमें भी एक ईएक्सपी कार्ड जो है डबल वाला जो है हमारे पास नहीं है, तो हम इसको प्लस को जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस आ रही है 20 कॉइन्स आप लगा के जो है एक डबल ईएक्सपी कार्ड जो है परचेस कर सकते हैं। अभी मैं आपको इससे परचेस करके नहीं दिखा पा रही हूँ बिकॉज यहाँ जो बैलेंस है फैमिली कॉइन्स का वो 16 है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको परचेस कर सकते हैं और इसका यूज़ कैसे करना है और कब करना है वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी। तो होप आपको फैमिली कॉइंस कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं तो एक रफ आइडिया मैंने आपको सब दे दिया है। इसलिए आप जो है ये फैमिली कॉइंस जो हैं बहुत कीमती हैं हमारे लिए क्रेजी मॉन्स्टर को लेके, तो इनको आप जो है ज़रूर सेव कीजिए और वीकली अपने बॉक्सेस जो ओपन कीजिए और उनके फैमिली कॉइंस को हमेशा कलेक्ट कीजिए ताकि जो है इसका हम सही टाइम पर फ़ायदा उठा सकें। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो चीज़ें आपने भले ही इसमें देखी हो बट आप उसको किस तरीके से सही टाइमिंग पे यूज़ करें वो चीज़ नहीं जानते होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।